Because in that park, there is a... सलार का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। टीजर कम ये ग्लिम्स ज्यादा लग रहा है। प्रभास का लुक तक रिवील नहीं किया है, लेकिन ये बात तो हम कह सकते हैं कि प्रभास की फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म है, क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स को जो क्रिएट करने वाला हमारे डायरेक्टर प्रशांत नील है, वो उनका विजन है। तो इसीलिए हम यहाँ देखेंगे आपको प्रभास का जो बॉडी लैंग्वेज आपको इतना कॉन्फिडेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उनके जो पिछले फिल्म थे साहो राधा, उनकी जो है राधे श्याम थी, उनके बाद जो आई उनकी आदि पुरुष, इसमें जो डायरेक्टर इतने घटिया उन लोग उनसे काम कराया था, जिसमें प्रभास कितनी बदनामी हुई। भाई साहब प्रभास इतने टैलेंटेड एक्टर है, इतना उनका बड़ा फैन बेस, इतना बड़े ब्लॉकबस्टर एक्टर हैं, उन्होंने बाहुबली फिल्म में इतना अच्छा इसे राजामौली उनसे काम नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर का विजन होता है मूवी। भाई डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, कि एक्टर सिर्फ उसमें एक्टिंग करता है, उससे कैसा काम निकलवाना है, कैसे करना है, डायरेक्टर का विजन होता है। इसलिए जो प्रशांत नील इसमें 100% जो है सक्सेसफुल होते हैं। जब प्रभास का लुक तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन उस पर ऐसा कैरेक्टर बिल्ड किया गया है कि आपको जो गूस बम्प्स तो आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक आखिरी में आता है, उसमें वो टीका लगाए हुए हैं, तो मतलब लगभग हिंदू कैरेक्टर टाइप का लग रहा है। यहाँ प्रभास जो है मुस्लिम कैरेक्टर है, क्योंकि सलार नाम से ये कन्फर्म है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम की अगर बात ना करें, तो फिर भी अगर ये कुछ ऐसे टाइप से तो ये सेट तो नहीं करती। लेकिन प्रशांत नील जो है हमेशा से जो है एक सेकुलरिज्म और धार्मिक मामलों से दूर ही रहते हैं। तो देखते हैं फिर वह किस तरह का क्रिएट किया जाता है, क्योंकि देखो भाई बॉलीवुड बहुत समय से फॉर्मूला उपयोग करते आ रहा है कि कोई हिंदू कैरेक्टर होगा विलन होगा चंदा लगा हुआ जैसे शमशेरा में, और कोई मुस्लिम कैरेक्टर टाइप का होगा जैसे कि रणबीर कपूर जैसा जैसे शमशेरा में दिखाया, तो वैसे दोनों के बीच कंपटीशन होता है, क्योंकि हिंदू कैरेक्टर तो विरोधी होता है। तो ऐसे घटिया मानसिकता प्रशांत नील ना दिखाए, तो हम इससे उम्मीद करता हूँ आप भी बोलेंगे कि सलार के टीजर में तुम कहाँ हिंदू मुस्लिम लाए। भाई बात करना पड़ता है, फिलोसॉफी समझना पड़ता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो टीनी वन के कैरेक्टर का जो है सबसे शुरू में डायलॉग आता है, वो प्रभास को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि टाइगर शेर जंगल में खतरे होते हैं, लेकिन जुरासिक पार्क में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जुरासिक पार्क का तो किंग एक ही होता है ना, डायनासोर, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है। लेकिन प्रभास की शॉर्ट्स एंट्री होती है, वो जो काटते मारते हुए आते हैं एकदम से, वो जो है धुएं में से निकलते हैं, लेकिन पंच के साथ उनका जो है रेबल स्टार प्रभास का लोगो आपको दिखाई देता है, जहां प्रभास का जो है एनर्जी ही देखने को मिलता है कि 100% उनसे निकलवाया गया प्रशांत नील के द्वारा, एकदम गूस बम्स देने वाला होता है। और यहां श्रुति हसन का जो है भी कैरेक्टर रिवील नहीं किया गया है, तो इसीलिए कहता है कि टीजर कम ये जो है ग्लिम्स वीडियो ज़्यादा है। फिल्म के डायरेक्शन से फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी उससे ही लग रहा है कि केजीएफ यूनिवर्स का पक्का है पार्ट होने वाली। देखते कि हमारे रॉकी भैया का कैमियो उसमें आता है कि नहीं आता है। आपने क्या टीजर देखा है, आपको टीजर कैसा लगा बताइए। हमें तो एकदम गूस बम्स देने वाला लगा, बस थोड़े से जो सोच में जो भी डाउट है उसको क्लियर हो जाए, बस और क्या चाहिए। प्रभास का जो लुक है, प्रभास का जो काम है, पक्का ही सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाली भाई है, तो तय हो गया है। क्योंकि रेबल स्टार प्रभास का जो क्रेज है ना, जो परसोना है, वो इसी में जो है निखर के आएगा। प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर के हाथ पे उन्हें सौंपना एकदम सक्सेस रेट को जो है कन्फर्म करता है। भाई साहब हम सब वही हैं जिन्होंने साहू को पसंद नहीं किया था, हम सब वही हैं जिन्होंने राधे श्याम को पसंद नहीं किया था, हम सब वही हैं जिन्होंने आदि पुरुष का जो है इतना ज़्यादा जो है बॉयकॉट किया था। लेकिन हम यही कहते हैं कि सलार जो है नेक्स्ट टू ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है, क्योंकि प्रशांत नील और प्रभास का जो कॉम्बो है ये बहुत ज़बरदस्त निकल के आने वाला है। तो देखते हैं आपने क्या सलार का टीजर देखा, और देखा तो कैसे लगा, नहीं देखा तो अभी तक जाके देखो। आपको इसके बारे में क्या कहने को बताएगा।